और कहा में कृष्णा, तुम्हारा भाई कहाँ रह रहा है रे आजकल? सर बाहर गाँव गया है सर। ओ सर मैं क्या हूँ ना सर, बाहर गाँव गया है सर हूँ ना सर। तुम हो क्या? यस सर। तो बोलो कि भारत माता की जय, कम से कम बोलते तो रहो। चलो लिख लिया सर। वो कैमरा थोड़ा सेट कीजिए ना, वो ऊपर बेटा डायग्राम नहीं दिख रही जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। अच्छा समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं तो नहीं बोलना पड़ेगा। यस सर आ रहा है, इधर तक आ रहा है सर। अरे मैं सोचा था कि कुछ जेई का नीट का क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इतना सिंपल ना कि मैं क्या बताऊं। देखना ना तुमको, कराएंगे तो पता चलेगा। क्या बेटा इस रेशियो पे बेस्ड होंगे क्या? हाँ सिर्फ रेशियो बेस्ड होंगे, इसलिए तो इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। बढ़ो आगे। यस सर। चलो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर टू इक्वल टू सही लिखा बेटा? हाँ या ना? यस सर राइट। बेटा ये एरिया ऑफ इसका एरिया क्या हो जाएगा आप बता सकते बेटा? A2, A2 का मतलब पाई आर टू स्क्वायर। में गलत लिखा है या सही लिखा? सही से बोलिए। सही है सर। समझ में आया नहीं आया ये बात? नहीं सर ये नीचे वाला नहीं समझा। अरे भगवान ऊपर देखो। इसका रेडियस कितना है बेटा? या कैसा शेप है ये बताओ, इसका शेप कैसा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर क्यूब, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है? अभी एरिया भी नहीं पता है रे। पता है बता दूं? आगे बताओ सर, आगे समझ में। तो इसका एरिया पाई आर टू स्क्वायर और इसका एरिया क्या होगा? पाई आर वन स्क्वायर। चलेगा ना बेटा? यस सर आगे समझ में। पाई से पाई कैंसिल हुआ। अच्छा तुमको एरिया याद नहीं था इसलिए तुमको नहीं पता है। हाँ सर वही हुआ। L1 by L2 into, देखो पाई से पाई कैंसिल तो बचा क्या? R2 square by R1 square। सही है बेटा? सही है बेटा? Yes sir, right। अब इसको क्या लिखेंगे? R1 by R2 equal to L1 by L2, और देखो स्क्वायर को दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे। यह आएगा फाइनल फॉर्मूला। चलिए अंजलि बेटा, अंजलि आवाज आ रहा है बेटा? अंजलि यस सर। बेटा यहाँ पे दो आर आ रहा है, एक आर वन है और यहाँ पे भी आर वन है स्मॉल आर। ये दोनों में क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है बता सकते हो बेटा? सर जो पहली डायग्राम है वहां पर जो रेजिस्टर है उसका आर वन लिया है हमने, और जो सेकंड डायग्राम है उसका आर टू लिया है। लेकिन यह कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है? ये कैपिटल आर क्या है? वो नहीं बता सकती। हाँ क्या बेटा? वो नहीं बता सकती। नहीं गलत बात है, फिर वहां पे लिखा हूं मैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना बेटा? रेजिस्टेंस। कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर रेडियस है। यह रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर और यह रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर। यह आर टू जो है रेडियस ऑफ सेकंड कंडक्टर एंड आर वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। नहीं समझे? यस सर समझ गई। लिखो 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 आर वन इक्वल टू लिखो आर कैपिटल आर वन इक्वल टू लिखो जल्दी लिखो नहीं बाद में चल के कंफ्यूजन आ जाएगा यार। लिखो कैपिटल आर वन इक्वल टू, मैं इसको रफ कर दूं। लिख लिया आप लोग? इसको लिख लिया आप लोग? यस सर। यस सर लिखो कैपिटल आर वन इक्वल टू रेजिस्टेंस
ऑफ फर्स्ट कंडक्टर स्मॉल आर वन इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर आर टू इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड कंडक्टर आर टू इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकेंड कंडक्टर. अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? नो सर. नो सर. मैं रफ कर दूं सब? मेरा कर दूं सब? एक बात और, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, अब जो बच्चे अब्सेंट हैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं बोल के रिज्वाइन होने के लिए बोला, इसलिए मैं अब आगे पढ़ा रहा हूं, मुझे मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी, मैं इसीलिए तो बोल दे रहा हूं क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड रहे. सर श्रुति का फोन आया था, उसका नेट खत्म हो गया इसलिए वो रिजाइन नहीं हुई. किसका? श्रुति का. अच्छा चलो देखो, आपने यही बोला आर वन इक्वल टू रो एल वन बाई ए वन, यही ने बोला बेटा, ध्यान दो फर्स्ट कंडक्टर का. बढ़ो आगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ या ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर. देखिए तो क्या आ जाएगा, रो एल वन इंटू ए वन डिवाइडेड बाय ए वन इंटू ए वन ए वन. सर व्हाई यू मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ दैट? हाँ, बिकॉज ए लेंथ इंटू एरिया बिकम्स अ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आर कॉन्स्टेंट. सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन कोरिलेट विद द रेजिस्टेंस ऑफ एरिया. We can find the relation between resistance of conductor and area of conductor. समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, सिर्फ resistance और area में relation हम निकाल सकते हैं. तो देखिए, ये बात यहाँ तक clear है नहीं है? Yes sir, clear है. R1 equal to R और length into area क्या हो जाएगा? अपॉन एरिया स्क्वायर. सही है? सही है? यस सर. यस. किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर. नो सर. आगे बढ़िए. रब करूं? यस सर. आर टू इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर. देखिए तो देखिए तो लिख सकते हैं, सही है?
ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, R1 और R2 का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो में निकाल दिया, और जो वैल्यू आया A2 square by A1 square आया। दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। दिक्कत है बेटा? नो, फिर से बताऊं? नो सर, आ गया समझ में। मतलब फाइनली R2 by R1, इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? बोलिए। एरिया ऑफ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सही है क्या? यस सर। आर टू बाई आर वन इक्वल टू क्या आ गया? मतलब आप इन शॉर्ट अगर आपको लिखना हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसको कि आर कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर। क्या मैं सही लिखा हूं? देखो तो। यस सर, यह बात सही है। यस सर। यस सर। से पहले आपने जो दिया था मतलब R2 upon R square whole bracket square into L1 upon L2 वो भी आ सकता है ना फिर? अगर length given हो तो। हाँ, length given हो तो, लेकिन यहाँ पे length given नहीं है, resistance और radius में relation है। resistance of radius में relation पूछा है तो ये होगा। बोलो आगे, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आया समझ में। यस सर, आया समझ में। बोलो आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आर इक्वल टू क्या जानते हैं? जानते हैं क्या? यस सर। आर वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। यस। L1 into L1 क्या हो जाएगा? L1 square। देखिए तो क्या आएगा? क्या हम लिख सकते हैं?
समझ में आया नहीं आया? आया सर समझ में। क्या मैं इसको रब करूं? यस सर। तो हमने फाइनली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाला? रो इनटू एल अपॉन ए। यही है बेटा? हाँ या ना? यस सर। आर टू बाय आर वन क्या आ जाएगा? रो इनटू एल वन स्क्वायर अपॉन वी अपॉन रो। रो से रो कैंसिल, वी से वी कैंसिल, बचा क्या? L1 square. Square upon L1. Sir, square square cancel हो जाएगा ना? नहीं, cancel क्यों होगा? नहीं होगा क्या? ना, बल्कि आप ले सकते हैं दोनों को काम। ऐसा कर सकते हैं। Okay sir. Okay sir. Means? Sir, इधर आपने common लिया है क्या? हाँ, स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके सर। सर नीचे खींचना थोड़ा। सर थोड़ा नीचे। 16 ही नहीं, नीड 17 में भी खींचा। सर हम आर वन अपॉन आर टू भी ले सकते थे ना? ले सकते। आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू स्क्वायर। आप संतोष कुमार पांडे बोलो या पांडे संतोष बोलो, क्या फर्क है? हो गया सर। सच में एक काम लिख करना, आज जितने मैंने आज दारू से बताया है ना, उसका रिजल्ट जो है इकट्ठा कर लेना, जिसको कहते हैं सिनॉप्सिस। बात समझे क्या? क्या करना? रिजल्ट को इकट्ठा कर लेना। और कल मैं चाह रहा हूं किसी को एक्सटेंड कर दूं, आप डाउट सैटरडे संडे को लेंगे, बड़ा मजा आएगा। कल भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेंगे, ठीक है ना? बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे कुछ तो बोलो, क्या बोल रहे हो सर? परसेंटेज निकालना आता है तुम लोगों को? परसेंटेज बताया हूँ। यस सर। यस सर। बताया हूँ मैं। यस सर बताया। तो क्वेश्चन में पूछेगा इसका परसेंटेज निकालना, मान लो सर एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लो। मार खाएगा। परसेंटेज निकालना है रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? रिवीजन तुम लोग को खुद करने के लिए बोल रहे हैं तो मेरे से रिवीजन ही करवाओगे? मतलब एक काम करो ना, मेरे से एग्जाम भी दिलवा लो ना। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? चलो आज नहीं पढ़ाएंगे। मेरे फ्रेंड्स सब का फोन आ गया।
बोलना मत, देखो ग्रुप क्लास लेक्चर में गुड इवनिंग, चलो बेटा बाय, कल बात, कल लेक्चर, ओके सर, बाय बाय सर, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय।